बात करना चाहूंगा। देखिए सियासी जो हमने वादे किए 370 को लेके, रियासत का हमें दर्जा वापस मिले उसको लेके, वो तो ठीक है, लेकिन उनसे आपके रोजमर्रा के जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो दूर नहीं होंगी। और हमने अपने मंशूर में सिर्फ सियासी बातें नहीं की हैं, सिर्फ आपको डरा धमका के हम वोट हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि एक बेहतर जम्मू कश्मीर हम अगले 5 साल में जो है कायम करें, और उसके लिए आप हमारा मंशूर देखें, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। हमने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमें लगता है हर किसी को जो है उससे फायदा होगा। अब एक यहाँ बेरोजगार नौजवानों की एक फौज है, बदकिस्मती से यहाँ प्रोजेक्ट बने, चाहे टनल हो, रेल हो, हाईवे हो, ठेकेदार भी बाहर से, इंजीनियर भी बाहर से, काम करने वाले भी बाहर से, मजदूर भी बाहर से, पहाड़ हमारा कटता है, आबो हवा हमारी खराब हो जाती है, हमारे घर के दीवार हिल जाते हैं जब ये ब्लास्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को इन प्रोजेक्टों में रोजगार नहीं मिलता। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जहां प्रोजेक्ट हमारी जमीन पर लगेगा वहां रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा। इसके साथ साथ हमने सरकारी मुलाजमत का एक नया दौर शुरू करने का भी यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया है। दोबारा दूर दराज इलाकों में डीजी को बेच के डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करने पे भी हम वादाबंद हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लोगों ने बिजली के मुतल्लिक मुझसे शिकायत ना की। पहले तो बिजली मिलती नहीं है, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके घर पहुंचा दिया जाता है। जहां हमारे दौरे हुकूमत में बिजली की फीस 250, 300, 350 उससे ज्यादा नहीं, आज देहात के इलाकों में भी बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए महीना। आपकी आमदनी 1500 होगी लेकिन बिजली का बिल 1650 रुपए, अब गुजारा होता नहीं। हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हुकूमत बनेगी तो हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे। तालीम की मैंने बात की, महंगाई की वजह से यहां हमारी कमरें टूट गई है। वजीर आजम साहब ने एक स्कीम के तहत गैस के चूल्हे बांटे, सबों को कहा ये गैस का चूल्हा ले लो, अपने घर में अब लकड़ी और गोबर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बताना भूल गए कि गैस के चूल्हे को गैस के सिलेंडर के साथ जोड़ना पड़ता है, और गैस का सिलेंडर जो है हर महीने इसकी हम कीमत बढ़ाते रहेंगे। नतीजा क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें वो गैस का चूल्हा तो आया लेकिन उसको जलाने के काबिल वो है नहीं, उस पर कपड़ा लगा के उसको सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में अपनी माओं से, बहनों से ये वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की हुकूमत आई तो हम हर साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त उन घरों में देंगे जहां वो चूल्हे को जलाने के काबिल नहीं है। इसी के साथ साथ सोशल वेलफेयर की स्कीम है, इसी के साथ साथ सेहत के निजाम को बेहतर करना, तालीम के निजाम को बेहतर करना, स्कूल्स को अपग्रेड करना, सड़कों का, राशन, सबसे बड़ा धोखा अगर पिछले 5 सालों में हुआ वो राशन को लेके हुआ। मिट्टी का तेल राशन कार्ड से गायब, चीनी राशन कार्ड से गायब, और राशन का स्केल 5 किलो पे उतार के लाया इन्होंने। अब 5 किलो महीना में अब किसका गुजारा होगा। हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है हुकूमत आएगी तो हम राशन कार्ड के जरिए एक तो स्केल बढ़ा देंगे ताकि आप लोगों का इस राशन से गुजारा हो, और दूसरा मिट्टी का तेल और चीनी हम दोबारा राशन कार्ड से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।
इस तरह बहुत सी और बातें हैं, बहुत सी और बातें हैं जो हमें लगता है जिनसे आपकी रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं वो कम होगी। लेकिन मेरे पास इतना वक्त है भी नहीं कि मैं उन सबों को यहाँ दोहराऊँ। मैं सजाद से गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ इसके पास वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, वो जो उर्दू में हमारा ये मशहूर है, मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप के जरिए जितने लोगों तक पहुँचा पाएँ ताकि आप खुद पढ़ें। पढ़ने के बाद देखिए फैसला वोटर ने करना है और वोटर का फैसला हमारे सिर आंखों पे। हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आज से लेके 18 सितंबर तक आप उम्मीदवारों को तोड़िए, उनकी बातों को तोड़िए, उनके बात करने के तरीके को तोड़िए, उनके वादों को तोड़िए, इस चीज को तोड़िए कि क्या वाकई वो अपनी बातों पे कभी कायम रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आप फैसला करिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूं कि 18 सितंबर को माँ बहन नौजवान साथी बुजुर्ग आप सब पोलिंग बूथ में जाएं, हल्का बटन ढूंढें और सजाद शाहीन साहब को यहां से कामयाब करके भेजें। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब मैं खड़ी आऊं तो उस वक्त मेरे साथ सजाद शाहीन उम्मीदवार नहीं लेकिन सजाद शाहीन एमएलए बानिहाल और अगला ने चाहा तो और भी कुछ, लेकिन इनकी तकदीर का फैसला पहले अल्लाह ताला ने करना है फिर आपने करना है। मेहरबानी करके पहले तो इनके लिए जमीनों पे आप हमारा हक नहीं रहा, हमारी दरियाओं पे हमारा हक नहीं रहा, हमारे आब हवा पे हमारा हक नहीं रहा, तो इस बात की बदौलत। और आज भी अगर आप देखें, मैं हैरान होता हूं, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल तबाही लाने वाले यही बीजेपी, लेकिन आप आज भी देखें अगर महबूबा मुफ्ती की कोई तकरीर है उसमें 90% हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, बीजेपी का शायद ही वहां जिक्र होता है। अरे 370 लेने वाले वो, 35 लेने वाले वो, रियासत के 2 हिस्से करने वाले वो, रियासत से यूटी पे उतारने वाले वो, और हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसी से आपको पता चल जाता है कि अंदर अंदर से उनकी तार कहां जुड़ी हुई है। लेकिन हम लोग सिर्फ डरा धमका के वोट नहीं मांगते, हम लोग इंतजामिया का गलत इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग लोगों के ऊपर पर्चे दाखिल नहीं करते। मैं यहां स्टेज पे बैठा था तो इलियास मुझे कह रहा था कि जब से इसने हमारे साथ हाथ मिला के सजाद को जितवाने के लिए काम किया है तब से इसके ऊपर 2 केस ठोक दिए गए, उन केसों की कोई जवाजियत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको दबाने के लिए और तंग करने के लिए, इनके साथियों को मजबूर करने के लिए। इलियास कोई बात नहीं ना, ये चंद दिनों का खेल है, महीने के बाद कोई मतलब नहीं होगा ना। आज 9 सितंबर है, अब महीना भी नहीं रहा नतीजों को, आपने 29 दिन थोड़ा सा रखना है ना सबर, 30वें दिन सारा ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। और कश्मीर की खूबसूरती में कोई खास फर्क है नहीं, यहां पे भी जंगल है, दरियाएं हैं, पहाड़ की चोटियां हैं, सर्दियों में यहां बर्फ है, लेकिन इस खूबसूरती का जो आपको फायदा मिलना चाहिए था वो आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि इलाका थोड़ा दूर दराज था, कटा हुआ था, लोगों का आना जाना यहां थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन अब अल्लाह के फजल से और बहुत से लोगों की मेहनत के वजह से अब रेल का सिलसिला यहां से शुरू हो चुका है। अब बहुत जरूरी है कि खड़ी जैसा इलाका जो है इसको हम टूरिज्म के नक्शे पे लाएं। महू मंगत का इलाका वो टूरिज्म के नक्शे पे आए ताकि क्योंकि यहां
ऐसी ऐसी जगहें हैं जो मैं खुद देख चुका हूं, होगल परिस्तान, नील गूल, जहां लोग मुझसे जिक्र करते हैं ना कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका है जहां टूरिस्ट ज्यादा जाते नहीं, जहां आप हमें कहोगे जाने के लिए। और मैं अक्सर उनको कहता हूं कि बानिहाल के इलाके में जाके आप जिन इलाकों का मैंने अभी जिक्र किया, आप इन इलाकों की तरफ जाएं तो आप वहां खूबसूरती ही खूबसूरती पाओगे और वहां लोगों के दिलों में मेहमान नवाजी का जो जज्बा है उसमें भी कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत आई तो हम इस इलाके को और जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है इनको टूरिज्म के नक्शे पे लाके आप लोगों की भी तकदीर बदलने में हमारा एक रोल रहेगा। लेकिन सोच समझ के वोट डालने का इस्तेमाल, वोट का इस्तेमाल करना होगा आपको, क्योंकि यहां आपको तकसीम करने में कोशिशें कम नहीं होंगी। अलग अलग बातें अलग अलग जगहों में। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की खुशकिस्मती यह है कि हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही बात बानिहाल में करते हैं, वही बात रामगढ़ में करते हैं, वही बात उधमपुर में करते हैं, वही बात जम्मू में करते हैं। लेकिन हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता सुबह एक बात दोपहर को दूसरी बात। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहां वोटों को तकसीम करने पर लगे हुए हैं। कल का मैंने होम ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा, बानिहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदा ना मुझे बीजेपी वाले ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब सही है या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है, क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानिहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलएज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदारा मुझे बताइए हम किस चीज को सच माने? क्या हम इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे? क्या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती, लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानिहाल में जो बात करेंगे वो जम्मू में चलेगा नहीं, जम्मू की जो बात है वो बानिहाल में चलेगी नहीं। लेकिन ये सियासत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप जहां आओ तो कम से कम लोगों को सच तो बोल के जाओ ताकि उस सच के बुनियाद पर लोग अपने वोट का फैसला करें और उस बुनियाद पर फिर यहां से उम्मीदवार को जितवाएं। उसके साथ हमारे खिलाफ मैदान में वो भी जमात जिन्होंने अक्सर बेचकर लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, निशान उनका कलम दवात है, सियासत उनकी हमें समझ नहीं आती। आज दोबारा 2014 के बाद अगर वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, ठीक आपको पूरा हक है इस चीज पे वोट मांगने के लिए, लेकिन खुदारा हमें पहले ये तो बताएं क्या ये वही नारा नहीं है जो आपने 2014 में इस्तेमाल किया? क्या 2014 में जगह जगह मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, महबूबा मुफ्ती, उनके तंजीम के तमाम साथी, क्या जगह जगह उन्होंने तकरीरें नहीं की और कहा पीडीपी को वोट दो अगर बीजेपी को बाहर रखना है? और फिर 2014 के नतीजों के बाद क्या हुआ? सीधा सीधा जाके वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बात के बावजूद
इस बात के बावजूद कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए दोस्ती का हार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाया था, उस वक्त हमने मुफ्ती साहब से कुछ नहीं मांगा, ना मैंने मिनिस्ट्री मांगी, ना मैंने राज्यसभा मांगा, ना मैंने साथियों के लिए एमएलसी मांगे, ना हमने चेयरमैनी मांगी। हमने इतना ही कहा मुफ्ती साहब, अगर आप इन बीजेपी वालों को लाओगे जम्मू कश्मीर के लिए, ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा, आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, 6 साल हुकूमत करिए, 6 साल आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन खुदा रहा इन बीजेपी वालों को आप मत लाओ। उस वक्त मुफ्ती साहब को हमारी बात कबूल नहीं हुई, उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, और जैसे कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने